गाइस, मैं रक्षित, आपका स्वागत है हमारे चैनल। भाई ये जो वीडियो बना रहे हैं अभी, तो इसमें अभी एक मेरे गाड़ी के साथ इंसिडेंट हो गया, वो दिखाते हैं वो क्या हुआ। एक्चुअली जब मैं अभी जा रहा था तो ट्रैफिक में क्या हुआ कि स्कूटी वाले ने सटा दिया। अब उसमें क्या हुआ कि ये आप देख सकते हैं, इसका कलर ये उखड़ गया। अब इसकी पेंट क्वालिटी इतनी ख़राब कैसे हो सकती है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी इससे पहले भी मेरे साथ एक पहले भी हो चुका है, जैसे आपको आगे दिखाते हैं। अभी आप वीडियोज़ जो आ रहे हैं उसमें आपने नोटिस किया होगा, आपको आगे दिखाते हैं पहले। ये सेम सिचुएशन जैसा अभी पहले हुआ था वैसे आगे भी हुआ था। अब आगे हुआ था कि देख सकते हैं ये स्टार मैंने यहाँ चिपका दिया। तो जब वीडियो बनाता तो जो स्टार देख के बहुत कोई मन में आता था कि हाँ भाई ने स्टार क्यों चिपकाया हुआ। तो भाई स्टार चिपकाया इसलिए था कि यहाँ जो कलर है ना, ये कलर उड़ गया था। अब कैसे वो उड़ा पता नहीं, इसकी मतलब समझ में नहीं आ रहा कि इसकी क्रेटा की कह ले या हुंडाई की पेंट क्वालिटी इतनी गंदी कैसे हो सकती है। मतलब कहीं भी अगर सटती है तो कलर ही उखड़ जा रही है। जैसे पीछे आपको दिखाया मैंने अभी, इसको पहले आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें क्या हुआ था ना कि इस जगह इस पॉइंट पे ये कलर उखड़ गया था। तब कलर उखड़ गया था, बहुत ख़राब दिख रहा था, तो मैंने इस स्टिकर को लगवा दिया था। अब पीछे भी सेम सिचुएशन हो गया। ये पीछे भी सेम सिचुएशन हो गया। उसमें हुआ क्या कि स्कूटी से लगा था। अब स्कूटी से लगने बाद क्या हुआ कि कलर ही पूरा उखड़ गया। और ये इस पॉइंट पे देख सकते हैं ये एरिया में ये ब्लैक हो गया, ये सब देख सकते हैं। इससे पहले जो मेरी गाड़ी थी स्विफ्ट, उसमें अगर बात करें, अगर बम्पर सटती थी तो इस हिसाब से जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट, इस हिसाब से पूरी काली हो जाती थी। उसके बाद क्या होता था कि जो आप ये स्क्रैच रिमूवर देख रहे हैं, इसको यूज़ करने से वो पूरा हट जाता था, लेकिन कलर नहीं उड़ता था। इसमें क्या हो रहा है कि कलर ही पूरा उखड़ जा रहा है। ये एरिया देख सकते हो, पूरा कलर उखड़ जा रहा है। तो समझ में नहीं आ रही है, फिर मेरे साथ हो रहा है या सभी क्रेटा ओनर्स के साथ ऐसा हो रहा है, या हुंडा की गाड़ी की पेंट क्वालिटी इतनी ख़राब होती है, समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या इसका सॉल्यूशन है। हाँ, अगर भाई जिनके स्क्रैच लगने के बाद अगर इस टाइप की हो जा रही है, कलर अगर नहीं खड़ती है, पूरा ब्लैक ब्लैक हो जा रही है, तो उनके लिए मैं सॉल्यूशन लाया हूँ। सॉल्यूशन ये है कि स्क्रैच रिमूवर से ये चला जाता है। तो अभी जो देख रहे हैं ये फॉर्मूला वन का स्क्रैच आउट है, इसको भी मैं यूज़ करने वाला हूँ, और अब देखना कैसे करके ये पूरा हट जाएगा। लेकिन ये जो कलर उखड़ गया, इसको तो हम लोग नहीं हटा सकते। इसको सॉल्यूशन एक ही है कि इसको दोबारा रिपेंट करवाना होगा, और रिपेंट का खर्चा तो बहुत ज़्यादा आ जाने वाला है। लेकिन जो अभी हमारे पास पॉसिबल चीज़ है, हम लोग उसका यूज़ करेंगे। अभी जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको पहले पूरा करेंगे। जो अभी काला काला ये हो गया है इस एरिया को, इसको पहले हम लोग अभी साफ़ करने वाले हैं। ठीक है, आपको दिखा दें, अगर आप कोई परचेज़ करना चाहते हैं तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला वन का स्क्रैच आउट है। इसमें क्या होता है ना कि फॉर्मूला वन का जो स्क्रैच आउट है, इसको लगाने के बाद रब करने से जो ब्लैक ब्लैक हुआ रहता है वो पूरा हट जाता है। तो भाई इसको जो ब्लैक हुआ था उसको तो हमने अच्छे से हटा लिया, और नीचे भी जो ब्लैक हो गया था वो भी अच्छे से रिमूव हो गया। मतलब आप देख सकते हैं पूरा क्लीन हो गया। तो अगर इस टाइप का सिचुएशन किसी के साथ बनता है कि स्क्रैच होता है लेकिन कलर नहीं उठता और पूरा ब्लैक हो जाता है, तो आप जो स्क्रैच रिमूवर मैंने दिखाया उससे आप यूज़ करके उसको पूरा हटा सकते हैं। लेकिन अगर कलर उड़ जाए तो फिर बात ही अलग है। तो भाई बस वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा प्रॉब्लम मैंने फेस किया आप वैसा प्रॉब्लम ना फेस करो। अगर हाँ फेस कर भी लेते हो तो जो सोल्यूशन बताया उससे आपको काम हो जाए। अगर आप भी ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि कहीं भी सटने से कलर उखड़ जा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना। और भाई बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।